पूरे विश्व में भारत के मंदिर जाने जाते हैं उनके उत्कृष्ट शिल्पों की वजह से। लेकिन आज के वीडियो में हम कुछ ऐसा उदाहरण देखने वाले हैं जिसे आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ भी बनाना काफी मुश्किल है। ये है कर्नाटक का होयसालेश्वर मंदिर। ये मंदिर 12th सेंचुरी में बिल्ट हुआ था। आर्कियोलॉजिस्ट, इंजीनियर्स और हिस्टोरियंस, इन सब के लिए ये मंदिर एक पहेली है, क्योंकि इस मंदिर में शिल्पकला के कुछ ऐसे नमूने दिखाई देते हैं जिन्हें कैसे बनाया होगा ये हम आज भी समझ नहीं पाते। ये है लेड मशीन, और इस मशीन का यूज करके हम किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को एकदम छोटे छोटे ग्रूव्स दे सकते हैं। लेकिन ये सभी ऑब्जेक्ट साइज में कुछ ज्यादा बड़े नहीं होते। क्या इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम 3 मीटर जितने लंबे और 60 सेंटीमीटर डायमीटर के सिलेंड्रिकल स्टोन को एकदम छोटे छोटे क्रूस दे सकते हैं? आज भी ये काम करना मुश्किल है। लेकिन ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ, जरा होयसालेश्वर मंदिर के कॉलम्स को देखिए। इन कॉलम्स पे सर्कुलर ग्रूव्स है। हम थोड़ा जूम करके और क्लियर इमेज देखते हैं। इस इमेज में क्लियरली दिख रहा है कि इस मंदिर के कॉलम्स पे कितने छोटे छोटे ग्रूव्स हैं और ये कितने माइन्यूट डिस्टेंस पे है। आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस का ये कहना है कि ये मंदिर 800 साल पुराना है, और आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से उस समय खाली छेनी और हथौड़े से ही कार्विंग्स किए जाते थे। लेकिन इस मंदिर के कॉलम्स देखने के बाद क्या कोई ये बात मान सकता है कि ये कॉलम्स पे बने ग्रूव किसी मशीन के उपयोग के बिना बन सकते हैं? हम इस मंदिर के कुछ और भी कॉलम्स देख लेते हैं। इस कॉलम पे भी सूक्ष्म गोलाकार रेखाएं बनी हुई दिखती है। हम छेनी और हथौड़े की मदद से किसी भी पत्थर पे सर्कल्स तो बना सकते हैं, लेकिन इतने छोटे छोटे ग्रूव्स और वो भी इतने कम डिस्टेंस पे बनाना एक असंभव बात है। और इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें किसी एडवांस टेक्नोलॉजी की ही जरूरत है। हम ये समझते हैं कि ये मशीन काम कैसे करती है। लेट मशीन में उस ऑब्जेक्ट को रखा जाता है जिसपे ग्रूव्स बनाने हैं, फिर उस ऑब्जेक्ट को एकदम हाई स्पीड पे घुमाया जाता है और एक कटर से इस पे ग्रूव्स बनाए जाते हैं। किसी मेटल या वुड के छोटे ऑब्जेक्ट पे ग्रूव्स बनाना एक आसान सी बात है, लेकिन इस मंदिर के कॉलम्स काफी बड़े हैं। जरा सोचिए कि इतने बड़े कॉलम्स पे ग्रूव्स बनाने के लिए कितनी बड़ी मशीन लगी होगी। आज भी ये काम करना काफी मुश्किल है, और ये मंदिर ऐसे कई कॉलम से भरा हुआ है। लेकिन क्या इस मंदिर में ऐसे किसी मशीन होने का कुछ प्रूफ भी है? ये इस मंदिर का एक कॉलम है, और इस कॉलम की डिजाइन किसी गियर की डिजाइन के साथ मैच करती है, लेकिन हम इसे कोइंसिडेंस भी कह सकते हैं। तो मैं आपको और एक प्रूफ बताती हूँ। ये इस मंदिर की मनसा भैरव जी की मूर्ति है। मनसा भैरव को गॉड ऑफ मेजरमेंट्स भी कहा जाता है। अब इस मूर्ति को हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं। इस मूर्ति के हाथ में एक वस्तु है। ये वस्तु किसी प्लैनेटरी गियर के जैसे दिखती है, और ये है आज के जमाने का प्लैनेटरी गियर। दोनों में कितनी ज्यादा सिमिलरिटीज है। और ये जो प्लैनेटरी गियर्स होते हैं उनके अंदर के और बाहर के टीथ का प्रोपोर्शन होता है 1:2। अब इस ऑब्जेक्ट को भी देखिए, इसके अंदर 16 टीथ है तो बाहर 32, और जिसका रेशियो बनता है 1:2। और ऐसे ही प्लैनेटरी गियर्स इस लेट मशीन में भी यूज किए जाते हैं। इस मंदिर में ऐसी कई चीजें हैं जो किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के बिना पॉसिबल ही नहीं है। ये पूरा मंदिर सुंदर नक्शीकाम और मूर्तियों से भरा हुआ है। इस मूर्तियों के आभूषण देख के कोई भी चौंक जाएगा, क्योंकि इन आभूषणों पे इतना सूक्ष्म नक्शीकाम है कि बिना किसी एडवांस टूल के इसे काव करना पॉसिबल ही नहीं लगता है। इस सभी सूक्ष्म नक्शीकाम में कई जगह पे जो गैप्स है वो तो mm में है, और इतने छोटे छोटे गैप्स को एक स्टोन पे बिना किसी एडवांस टूल के काव करना बड़ी मुश्किल बात है। और उन्होंने ये सब छेनी और हथौड़े से किया होगा ये तो सोचना भी ठीक नहीं लगता। तो इतने साल पहले उन्होंने ये सब काम कैसे किया होगा ये सोचने वाली बात है। इस मंदिर में ऐसी कई अविश्वसनीय चीजें हैं। इस मंदिर में भैरव जी की कई मूर्तियां हैं, और भैरव जी की इन मूर्तियों पे मुकुट है, और मुकुट पे कुछ स्कल्स भी कार्व्ड है, और इन स्कल्स की साइज है 3 इंचेस। अभी इसमें तो कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात ये है कि ये सभी स्कल्स अंदर से पूरी तरह से होलो है। आर्कियोलॉजिस्ट ने कंफर्म किया है कि ये सभी मूर्तियां एक ही स्टोन पे काव की गई है, तो ये भी बात पॉसिबल नहीं है कि इस कल को कई बाहर से काव करके फिर इस मुकुट पे लगाया हो। इस कल की आग से अगर हम थ्रेड डाले तो वो कान से बाहर आता है, और अगर हम कान से थ्रेड डाले तो वो मुंह से बाहर आ जाता है।
किसी भी काविंग को अंदर से हॉलो बनाना एक बहुत ही मुश्किल चीज है। इस मंदिर में ऐसे कई कॉलम्स और ऐसे कई मूर्तियां हैं जिनका सरफेस किसी पॉलिश किए हुए सरफेस की तरह शाइन करता है। ये इस मंदिर के नंदी मंडप में विराजमान हुए नंदी जी की मूर्ति है। ये मूर्ति भी किसी पॉलिश किए हुए सरफेस की तरह शाइन करती दिखाई देती है और इसका रिफ्लेक्शन भी काफी क्लियर है। आज हम सरफेस को पॉलिश करने के लिए कुछ टूल्स यूज करते हैं जिन्हें रोटरी बर्ड्स कहा जाता है और वो कुछ इस तरह से दिखते हैं। इस मंदिर में कुछ मूर्तियां हैं जिनके हाथ में ऐसे ही दिखने वाले कुछ टूल्स दिखाई देते हैं। क्या ये सभी चीजें एक सिर्फ कोइंसिडेंस ही है? आज हमारे पास ऐसा कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है जो ये प्रूव कर सके कि 800 साल पहले हमारे पास कुछ ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी थी, लेकिन इन सब टूल्स के बिना ऐसे सुंदर मंदिर का निर्माण करना भी असंभव है। तो ये सब टूल्स थे तो गए कहाँ? और अगर ऐसे टूल्स थे ही नहीं तो फिर ऐसे सुंदर मंदिर का निर्माण कैसे हुआ था? आप सब इसके बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हर मंदिर के हर शिल्प के पीछे कुछ कहानी होती है और ऐसी ही कहानियों से ये मंदिर भरा हुआ है जिसकी वास्तुकला का वर्णन शब्दों में किया नहीं जा सकता। तो ऐसे सुंदर मंदिर को आप कब विजिट करने वाले हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। प्रणाम।